जी हाँ, पहले आप लोग सुन चुके हैं कि स्टोरी की कॉपीराइट होते हैं, गानों के होते हैं, लिरिक्स के होते हैं, हर चीज़ के होते हैं, तो अभी तक कोरियोग्राफी के नहीं हुए थे। तो इस फिल्म के साथ वो भी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि जितने भी गाने हैं, जितने भी कोरियोग्राफी स्टेप्स हैं और जितने भी परफॉर्मेंस हुए हैं इस फिल्म में, उसके कॉपीराइट्स कर रहे हैं। नाउ ओनली आई केम टू नो दैट, इवन नाउ ओनली आई केम टू नो दैट, हाउ इट इज पॉसिबल आई डोंट नो, जस्ट नाउ आई आस्क्ड हिम, अरे इज इट पॉसिबल लाइक दैट, बिकॉज एवरीबडी विल डांस इज लाइक आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट ओनली आफ्टर। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इट्स अ कम्बाइंड डिसीजन, बेसिकली मेरा और प्रोडक्शन हाउस का डिसीजन था कि ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सो वी शुड डू इट। और इस फिल्म में डांसेस बहुत हैं और गाने भी बहुत हैं, तो कम्बाइंड डिसीजन। तो मेरे ख्याल से क्यों नहीं मिलना चाहिए, लिरिक्स वालों को मिलते हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं उनको मिलता है, डायरेक्टर को मिलने लगे हैं, और इनफैक्ट प्रोड्यूसर को मिलता है, सबको ही मिलता है, तो फिर कोरियोग्राफर क्यों पीछे रहे भैया, उनको भी मिलना चाहिए। नो नो, it's not like that, whatever is comfortable I'm doing it, that's it, I'm directing next films and all, two films, so if at all any comfort which suits me I'll do, that's it. I think इससे बड़ी खुशी की और इससे बड़ी proud moment नहीं हो सकता है किसी भी मेरे जैसे डायरेक्टर को, कि उनको प्रभुदेवा एज अ एक्टर डांसर लॉन्च कर रहे हैं हिंदी फिल्मों में, तो आई थिंक मेरे लिए इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। द होल फिल्म व्हेन आई वाज शूटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड वाज अ बिग मोमेंट फॉर मी एक्चुअली, टू इतना बड़ा फिल्म और डांस के ऊपर पहली 3D फिल्म बनाना मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। और मेरे साथ ये जो खड़े हैं एक्चुअली इनके सपोर्ट से हुआ है, अकेला मेरी फिल्म नहीं है, अकेली फिल्म नहीं है मेरी, अगर इसमें से एक भी कम होता तो शायद ये फिल्म वैसी नहीं बनती जैसे मैं सोच रहा था, सो एवरीवन इज ये कुछ नया कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले कभी हुआ नहीं है, तो हर नई चीज़ को टाइम लगता है अडाप्ट करने में और उसको अमल करने में, सो लेट्स सी।